हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी काबुली चना। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं एज ए स्नैक। चलो देखते हैं क्रिस्पी काबुली चना कैसे बनाते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को हिट करें, और रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। क्रिस्पी चना बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ काबुली चने लेने हैं, जिसे हमें ओवरनाइट भिगो के रखना है और उसे हमें दूसरे दिन बॉईल करके रखना है, जिसे मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है और आधा कप मैदा लिया है। रेड फूड कलर डाला है मैंने, कलर आने के लिए ये ऑप्शनल है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। अब हम इन चनों को धीरे धीरे करके एक एक करके छुट्टा करके हम इसे डीप फ्राई करेंगे गरम तेल में, और मीडियम से हॉट फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। क्रिस्पी चने अपने अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। क्रिस्पी काबुली चने अब अपने रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हुए हैं। आप इन्हें बच्चों को दें, बच्चे बड़े ही शौक से इन्हें खाते हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी कैसी बनी।